हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि कूलर का पानी कैसे निकाले, कूलर को ड्रेन कैसे करना है। तो इसे लेकर हम मेरे पास जितने भी कूलर है मैं सारा का दिखाऊंगा किस तरह से ड्रेन करना है, और अगर आपके में वो पॉइंट नहीं दिया है तो किस तरह से आप उसे निकाल सकते हैं। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कूलर हैं, सारा का मैं बताता हूँ बारी बारी से किस तरह से ड्रेन करना है। तो जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड्स, एक रबड़ है, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका कूलर का रबड़ खो गया है तो आसानी से मार्केट में कोई भी दुकान में, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आसानी से मिल जाएगा। इसे ही निकालने के बाद सारा पानी ड्रेन हो जाता है। अब चलिए कूलर में आपको दिखाते हैं कहाँ लगता है, किस तरह से ड्रेन होता है। तो पहले बात करेंगे स्टैंड कूलर में किस तरह से ड्रेन दिया हुआ रहता है। जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पास स्टैंड का कूलर है, तो ये स्टैंड में इस तरह से रखा हुआ रहता है, लेकिन आदमी को पता नहीं चल पाता है कि किधर ड्रेन का दिया गया है रबड़। तो नीचे में जैसे कि इसे उठाते हैं इस तरह से, तो नीचे में देखिए यहाँ पर एक रबड़ लगा हुआ है। इसे आप निकाल दीजिएगा, आसानी से निकल जाता है और आसानी से लग भी जाता है। इसे निकालते के साथ सारा जो पानी है कूलर का नीचे ड्रेन हो जाएगा, आपका गिर जाएगा। तो इस तरह से स्टैंड कूलर में ड्रेन कर सकते हैं आप। चलिए अब दूसरा कूलर देखते हैं। अब बात करते हैं डेजर्ट कूलर का किस तरह से किधर दिया हुआ रहता है। तो मेरे पास देख पा रहे हैं हिंदवेयर का एक कूलर है, तो इसे भी आपको पीछे की तरफ दिखाते हैं ड्रेन के लिए। इसका यहाँ पे देख पा रहे हैं एक रबड़ लगा हुआ है जो कि थोड़ा सा सील है। तो इसे पेचकस वगैरह से आप आसानी से खींच के निकाल सकते हैं बाहर के, और ये नीचे की तरफ दिया गया है, इसमें यहाँ से आपको निकाल के पूरा वाटर को ड्रेन कर लेना है। इसमें व्हील लगे हुए रहेंगे फ्रेंड्स। तो एक और है हेबल्स का डेजर्ट कूलर, इसमें देखते हैं किधर ड्रेन का दिया गया है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी बेहतर दिया गया है, पीछे में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे में नीचे रहता है उसमें प्रॉब्लम होता है कि पानी भरा हुआ कैसे नीचे में देखेंगे किस तरह से निकालेंगे। लेकिन इसमें साइड में ही दिया गया है, आपको पलटने का ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सहूलियत इसमें कर दिया गया है। इसे आप आसानी से खींच के निकाल सकते हैं इस तरह से, और ये ड्रेन के लिए यहाँ से सारा पानी निकल जाएगा। तो ये इस तरह से रबड़ रहता है, ये रबड़ है, इसे खींच के आप आसानी से ड्रेन कर सकते हैं पानी कूलर का। अब बात करेंगे फ्रेंड्स टावर कूलर में किस तरह से ड्रेन का दिया गया है। तो ओवरफ्लो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ड्रेन के लिए इसे निकालना पड़ेगा बाहर। तो यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये टावर कूलर है, इसमें भी पीछे में ही दिया गया है, काफ़ी आसानी से यहाँ व्हील लगा हुआ रहेगा, तो आसानी से आप यहाँ से रबड़ को निकाल कर ड्रेन कर सकते हैं आप। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये केल्विनेटर का कूलर है, इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ ड्रेन प्लग बिलो, यानी इसके नीचे ड्रेन का दिया गया है। अब देखते हैं किधर दिया गया है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं या नहीं देखेंगे, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। तो चलिए इसे पलट कर देखते हैं हम। तो काफ़ी बड़ा दिया गया है यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में, यहाँ से आप खींच के निकाल सकते हैं इसे आसानी से। तो फ्रेंड्स, पहले के कूलर में पुराना मॉडल जो आता था उसमें ड्रेन का सिस्टम नीचे दिया गया था, जिसे निकालने के लिए आपको कूलर को पलटना या झुकाना पड़ता था। जब उसमें कूलर में पानी भरा हुआ रहता था तो आपको झुकाने और पलटने में प्रॉब्लम होता था, इसलिए अब नए मॉडल में ड्रेन का सिस्टम पीछे की ओर दिया जाता है, जिसे बिना झुकाए आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, ख़रीदने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें कि उसका ड्रेन सिस्टम पीछे में दिया गया है नीचे दिया गया है। अगर आपका स्टैंड का कूलर है तो उसमें नीचे ही दिया जाता है, क्योंकि स्टैंड में रहेगा तो आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेजर्ट या टावर कूलर है तो उसमें ध्यान दें कि पीछे में रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कूलर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर से ज़रूर आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।